एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अभिषेक पतंगे एंड बहुत दिन से मेरे चैनल पे पूरे कार रिव्यूज, बाइक रिव्यूज ही चाह रहे, एक ट्रैवल वीडियो बनाएंगे सोचा था। आज ट्रैवल वीडियो ही होने वाला है और वो कहाँ की आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। तो मैं, मेरा फ्रेंड नीतीश दोनों जाने वाले हैं, उन्हें उसका क्लासिक 350 पे आने वाला है। अभी सुबह एक्चुअली संडे ब्रेकफास्ट राइड के वैसा बनाएंगे सोचा, मगर कल संडे था, आज मंडे है। कल मेरे को कुछ काम था इसीलिए मैं आज बना रहा, मगर आज मैं सुबह ब्रेकफास्ट के राइड के वैसे ही रखना चाह रहा था, मगर मेरा दोस्त बहुत आलसी है, उन्हें सुबह उठने से मना कर दिया। तो अभी अभी सुबह के 10:20 बज रहे हैं 2020। उन्हें 10 o'clock तक जाएंगे बोला, अभी फ़ोन करके अभी 20-30 मिनट्स डिले होगा बोल के बोला। कुछ तो एक रीज़न बोलते ही रहता, उसके घर में पावर कट हुआ करते। तो देखेंगे उन्हें कब तक आता कि और हम कब निकलते कि, मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। फाइनली निकल चुके हैं, अभी सुबह के 11:20 हो रहा। गाड़ी में फ्यूल नहीं था, फ्यूल भी भराया। यहाँ घर से अभी 20 किलोमीटर तक आ चुके हैं और मगर एक प्रॉब्लम आया, नीतीश के क्लासिक 350 में चेन से कुछ तो भी आवाज़ आ रहा था। हम रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाह रहे थे, छोटा ट्रिप है तो लेते थे, मगर आज का ट्रिप अराउंड 160 राउंड ट्रिप होने वाला है। तो हम जाने दिए नीतीश को, मेरा पिलियन बना के एक ही गाड़ी पे दो लोग जा रहे हैं। ए टाइम पे निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं था, अभी पीक टाइम है, 11:30 हो रहा। अभी थोड़े देर में और धूप ज़्यादा बढ़ जाएगा, मगर अब प्लान बना ही चुके तो जाना ही पड़ेगा। और 30 किलोमीटर्स तक यही नेशनल हाईवे पे ट्रैवल करना होगा, उसके बाद एक सिंगल लेन रोड पे डाइवर्शन आएगा। और एक प्रॉब्लम भी है, आज मैं मेरे कॉलेज का वाइवा अटेंड करना, कॉलेज वालों को कैसा पता चलता कि कहाँ तो बाहर जाएंगे बोले तो कुछ ना कुछ रहता, एग्ज़ाम नहीं तो वाइवा, मगर मोस्टली आज मेरा नंबर नहीं आएगा शायद, वही कॉन्फिडेंस से घर से निकला। अगर मेरा नंबर आज ही लगे तो गूगल करने का चांस भी नहीं है, जो आया वो बोलना ही पड़ेगा। देख तो मैं क्या होता कि आपको अपडेट करते रहते। तो अभी 40 किलोमीटर्स तक क्लॉक कर चुके हैं और नेशनल हाईवे छोड़ के सिंगल लेन रोड पे डाइवर्शन बता रहा गूगल। यहाँ पे रोड बहुत बुरे कंडीशन में है, अच्छे रोड्स पे कितना दूर ट्रैवल करे तो भी थकान महसूस नहीं होगा, मगर ऐसे रोड्स में थोड़ी देर को ही पूरा इंटरेस्ट जाएगा। और अगर बारिश में वाइट शूज़ या वाइट कार में आए तो यहाँ पे पूरा लाल होके निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पूरा रेड सैंड है। हम बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं, ये है कर्नाटका और तेलंगाना बॉर्डर। यहाँ पे पुलिस चेकिंग हो रहा, मगर कर्नाटका से बाहर आते सब वालों को चेक कर रहे। बॉर्डर के बाद में रोड्स बहुत अच्छे हैं और ये टू साइड्स फॉरेस्ट है, वेदर भी बहुत प्लेजेंट है यहाँ पे। सो हम फर्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे एक बहुत ही फेमस टेंपल है, वो टेंपल को विजिट करने एक केव के अंदर से जाना, वो केव 5 feet वाटर रहता वो केव में, और नेचुरल लाइट और नेचुरल ऑक्सीजन कुछ भी नहीं रहता, चल लेते एक 150 मीटर्स जाना। तो यहाँ पे अंदर वीडियो निकालना हेलो नहीं था, तो इसीलिए कुछ भी वीडियो नहीं निकाला।
तो अब हम नेक्स्ट जाने वाले हैं बिदर फोर्ट, और वहाँ जाके बताऊंगा और क्या क्या है वहाँ। तो अभी वो अंदर वाटर में से जाने का अलाउ नहीं था, अभी क्लोज है। और ये सिटी देखे तो बहुत ही पुराना दिख रहा। फोर्ट को जाते सो वे में पुलिस हम बैरिगेड डाल के नॉन लोकल्स को अलाउ नहीं कर रहे। मेरा टीएस नंबर है तो मेरे को अलाउ नहीं करे, तो हम यहाँ पे लोकल्स को पूछ के और एक अल्टरनेटिव वे ढूंढे, तो वहीं पे देखेंगे, ट्राई करेंगे कैसा तैसा करके पहुँच गए। और अब पार्किंग करके अंदर जाएंगे। देखो कितना बड़ा है, इसमें पूरा एको आ रहा। एक सारी क्लैप्स को ट्रा नीतीश अंत ले क्लैप्स मेरे को क्या समझ में आया बोल रहे नीतीश इतना पढ़ रहा ना क्या समझ में आया बोल आप देख रहे सो 16 खंबा मास्क है और ये 1423 में बना 24th सेंचुरी में। और ये बिदर का वन ऑफ दी ओल्डेस्ट मॉस्क और इंडिया का वन ऑफ दी बिगेस्ट मॉस्क है। దాని లేపనికి ట్రై చేయరా నితీష్ దాన్ని ఈజీగా లేపేస్తాను అబ్బా ట్రై చేయరా ఒకసారి పట్టుకొని ట్రై చేయరా ఈ కొండి లేపనీ కానీ అది కింద పెట్టు ఇది ఇది వీడియో దీని బట్ నేను తీసి బాడీ బిల్డర్ కాదు కదా కానీ హెల్మెట్ పక్కకు పెట్టి లేపు చూద్దాం జరిగింది అక్కడ పైకి లేవాలి तो महेश तेरे को लंच करा तू उठा देखेंगे ए भाई दे उठा रे ए भाई दे మనకి రాంది తన దగ్గరికి పోతే అర్థమైంది ఇస్మే అందర్ बुलेट है बुलेट बोलते क्या बोलते कि इसको पे देखने बहुत चीज है मगर चलने ही थोड़ा मुश्किल है, बहुत चलने का है यहाँ पे। सो आज हमारा थर्ड और लास्ट डेस्टिनेशन गुरुद्वार होएगा, और यहाँ पे पूरे विद इन 5 किलोमीटर्स ही है जो भी मैं आपको बताया। और सुबह का वाइवा भी मेरा आज नंबर नहीं आ चुका है, मेरा कल रहेगा शायद। राणा रंक बराबरी पैरी पावना जग वरताया पैरी पवना जग वरताया उल्टा खेल पिरामदा हियर इज आवर बीस्ट बीस्ट रिस्पेक्ट लाइक इट।
Close doors, I'ma fall for your love.